हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद बहुप्रतिष्ठित बेहतरीन हॉकी प्लेयर थे। गोल करने की उनकी क्षमता अद्भुत थी और अक्सर विरोधी टीम भारत के इस खिलाड़ी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आते थे। 29 अगस्त को आने वाला उनका जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत के राष्ट्रपति ने भी उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड से इस दिन सम्मानित भी किया गया है। हॉकी फील्ड में 3 ओलंपिक मेडल जीतने वाला भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद बेशक हॉकी के सबसे बेहतरीन और हरफनमौला खिलाड़ी थे। वे उस समय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के सदस्य थे जिस समय भारतीय हॉकी टीम ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ था। एक खिलाड़ी के रूप में गोल करने की उनकी शैली और कला दूसरे सभी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग और अद्भुत थी, इसीलिए उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। हर मैच में हॉकी की गेंद पर उनकी अद्भुत पकड़ होती थी और गेंद को घसीटने में भी वे बेहतर थे, बल्कि गेंद को घसीटने की उनकी कला अविश्वसनीय थी। लोग उन्हें हॉकी की स्टिक से खेलने वाला जादूगर कहकर ही बुलाते थे। कई बार विरोधी टीम ने उनकी स्टिक को भीतर से देखने के लिए मैच के दौरान तोड़ने की भी कोशिश की थी। हॉकी के प्रति उनका प्रेम तब बढ़ने लगा था जब किशोरावस्था में ही वे आर्मी में शामिल हो चुके थे। शुरू में आर्मी टीम की तरफ से खेलते थे जहां उन्होंने अच्छा खेलकर अपना नाम भी कमाया। जिस भारतीय टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक और 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था उस भारतीय टीम के कप्तान ध्यानचंद ही थे। 1932 के ओलंपिक में भारत का पहला मैच जापान के खिलाफ था जिसे उन्होंने 11-1 से जीता था। इससे सिद्ध हुआ कि भारतीय टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और सबको यकीन था कि टीम फाइनल में जाकर एक बार फिर गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगी। ओलंपिक के बाद भारतीय टीम ने यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड और दूसरे देशों से खेलने के लिए बहुत से इंटरनेशनल टूर भी किए। टूर के अंत में भारत खेले गए 37 मैचों में से 34 जीता था। इस टूर में चंद ने भारत द्वारा किए गए 338 गोल में से 133 गोल दागे थे। 1934 में उन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया और अपने अपनी कप्तानी में टीम को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ले गए। वहां भी उन्होंने अपना जादू दिखाया और भारत को तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताया। 1940 के अंत तक वे लगातार हॉकी खेलते रहे और फिर इसके बाद 1956 में आर्मी के मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद वे भारतीय टीम के कोच बने। अंतिम दिन 1956 में 51 साल की उम्र में मेजर के पद पर कार्य करते हुए वे सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद उसी साल भारत सरकार ने उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। सेवानिवृत्ति के बाद वे राजस्थान के माउंट आबू में कोच का काम करने लगे। बाद में उन्होंने पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के मुख्य हॉकी कोच होने के पद को स्वीकार किया और कई वर्षों तक उसी पद रहते हुए काम भी किया। चंद ने अपने अंतिम दिन अपने गांव झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत में बिताए थे। मेजर ध्यानचंद की मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली में हुई। झांसी के शहीदों के मैदान पर उनका दाह संस्कार किया गया था। मेजर ध्यानचंद को मिले हुए अवार्ड और उपलब्धियां। वे उन तीनों भारतीय टीम के सदस्य थे जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अपने पूरे हॉकी करियर में उन्होंने तकरीबन 1000 से भी ज्यादा गोल किए थे जिनमें से 400 उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए थे। 1956 में हॉकी फील्ड में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया था। किसी भी खिलाड़ी की महानता को गिनने का सबसे का पैमाना यही है कि उस खिलाड़ी के साथ कितनी घटनाएं जुड़ी हुई है। उस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब ही नहीं।
हॉलैंड में तो लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तुड़वा कर भी देख ली थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं। यही घटना हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है। वक्त अगर किसी चीज को लौटाना चाहे तो बेशक भारतीय खेल जगत मेजर ध्यानचंद को मांगना चाहेगा। उनसा ना कोई हुआ और हो सकता है और ना भविष्य में कोई होगा। खेल से खिलाड़ी की पहचान बनती है, लेकिन ध्यानचंद तो हॉकी का आईना बन गए।